हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि हम कर रहे हैं अपने ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए। तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हम डिस्कस करे जा रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। इश्यू ऑफ शेयर्स को मैंने आज दोबारा इसलिए उठाया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और इसमें से क्वेश्चंस आने के एग्जाम्स में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चले, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली बार जब भी वीडियोज अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं और रेगुलरली अपडेट रहेंगे आप इसके थ्रू। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का नाम है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर बाय अनुजिंदल, ठीक है। और अगर आप अपनी उसको बूस्ट करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को, तो जल्दी से anujindal.in पे जाइए, बाय कोर्सेज पे क्लिक करके ईएसआई के कोर्स पे जाके इनरोल कर लीजिए। अब चलें अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए है, NIA कंपनी लिमिटेड इशू टू काइंड ऑफ शेयर्स। पार्टी ए वाज इशूड वन टाइप ऑफ शेयर्स एंड पार्टी बी वाज इशूड द अदर टाइप्स। इन द ईयर द कंपनी डिसाइडेड टू गिव द डिविडेंड। ऑन द डेट ऑफ पेमेंट द कंपनी गेव डिविडेंड टू ए बिफोर गिविंग टू ए एंड टू बी। विच काइंड ऑफ शेयर्स आर इशूड टू पार्टी ए। तो क्वेश्चन है कि किस टाइप के शेयर्स हमारे पार्टी ए को इशू करे गए हैं, और बोला क्या गया है कि जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही थी तो उसने पहले ए को पे किया फिर बाद में बी को पे किया। मतलब पहले किसको पे किया, ए को, के बाद बी को पे किया। तो हम सबको पता है जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनके पास दो राइट्स होते हैं। कौन कौन से दो राइट्स होते हैं, पहला कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो तो इन्हें पहले डिविडेंड मिले, सेकंड जब भी लिक्विडेट हो कंपनी तो इनकी मनी पहले रिटर्न करी जाएगी, ठीक है। तो इनके पास दो प्रेफरेंस राइट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स के पास नहीं होते। मतलब ए को पहले डिविडेंड मिला तो मतलब ए के पास कौन से टाइप के शेयर्स होंगे, ए के पास होंगे अपने प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखना, अपने पास एक पेज निकाल लो, पेज में क्या करो, फाइव क्वेश्चंस है जैसे, तो फाइव क्वेश्चंस को मार्क कर लो और चेक करो कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। देखो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि किस टॉपिक्स में आप अटक रहे हो और उस पर दोबारा रिवाइज करो उस टॉपिक को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स दैट विल बी रिडीम्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ डैश इयर्स। देखो प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने हर बार ट्राई किया कि मैं उठाऊं, ताकि जो हमारी मेमोरी स्किल्स हैं वो याद हो जाए। तो इस पर क्वेश्चन क्या है, कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है। तो आपको रिवाइज करा दूं कि जो हमारा सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट का, ध्यान से सुनना, कईयों को ये टॉपिक नहीं भी पता होगा। तो सेक्शन 5 है जो कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो वो सिर्फ इररिडीमेबल, इस बात को याद रखना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकती है। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे उसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट गिवन है, वो गिवन है 20 इयर्स। कितनी गिवन है, 20 इयर्स। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है, अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो मैक्सिमम पीरियड क्या रह जाता है, 30 इयर्स का, ठीक है।
तो ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन था अगर आपको याद हो, नहीं तो अब हम याद रख लेंगे कि भाई एक कंपनी सिर्फ इरिडीमेबल, हमारे इरिडीमेबल सॉरी रिडीमेबल, जो रिडीम हो जाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है, 20 ईयर्स। ठीक है, इरिडीमेबल नॉट अलाउड है, सिर्फ कौन से इशू कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 20 ईयर्स है। हमें पढ़ाया जाता है इरिडीमेबल वगैरह भी, बट वो अलाउड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसका मैक्सिमम टाइम है 20 ईयर्स, और इंफ्रा कंपनीज है तो 30 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 20 ईयर्स। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर डी होल्डिंग ऑफ 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹1 पर शेयर एंड कॉल मनी ऑफ ₹4। इस 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड 300 शेयर्स वर इशूड एट ₹7 पर शेयर्स फुली पेडेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल सा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, कि जब भी हमारी फॉरफिटेड की अमाउंट बच जाती है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हमें पता करना है कि कितनी अमाउंट बची। देखो मिस्टर डी के पास टोटल शेयर्स कितने थे, 500 है ना, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का। और इसमें बोला हुआ है कि जो अलॉटमेंट में मनी मंगवाई, जो अलॉटमेंट में मंगवाई वो 1 रुपीज है, और कॉल मनी पे मंगवाई वो 4 रुपीज है, मतलब रिमेनिंग कितनी आई होगी एप्लीकेशन मनी पे। और जो मिस्टर डी है, ना ही उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे करी है, ना ही कॉल मनी पे करी है, ना ही अलॉटमेंट पे करी है, ना ही कॉल मनी पे करी है, मतलब उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी होगी 5 रुपीज। आगे लिखा हिज 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो याद रखना चाहे होल्डिंग 500 की है, फॉरफिट कितने हुए हैं, 400 शेयर्स। ठीक है, मतलब टोटल फॉरफिट में अमाउंट कितनी गई होगी, 400 × 5 ₹2000, ₹2000 फॉरफिटेड अकाउंट में गई होगी। अब आगे ध्यान से सुनना, आगे बोला गया है ओनली 300 शेयर्स वर रीइशू, मतलब 400 में से अभी दो कैटेगरीज हो गई, जो रीइशू करे गए हैं वो करे गए हैं 300, जो नहीं करे गए वो करे गए 100 शेयर्स, मतलब जो रीइशू नहीं हुए। तो 300 जो शेयर्स रीइशू हुए इनकी अमाउंट कितनी हो गई फॉरफिट अकाउंट में, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज, और इनकी हो गई 500 रुपीज। मतलब इस 2000 में से 1500 रीइशू वालों के हैं और 500 जो रीइशू नहीं हुए। अब जो रीइशू हुए हैं उसको हमने करा है 7 रुपीज पे रीइशू। जब 7 रुपीज पे रीइशू किया मतलब डिस्काउंट कितने का दिया, टोटल अमाउंट हमारे पास फॉरफिट के लिए है कितनी, 500, 1500, उसमें से हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 3 रुपीज का, और 300 शेयर से तो 3 × 3 900 रुपीज, मतलब 900 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। बचे कितने रिमेनिंग हमारे पास, 600 रुपीज, मतलब ये 600 रुपीज जो हमारे बच गए इसको हमने ट्रांसफर करा होगा कैपिटल रिजर्व। टोटल अमाउंट ट्रांसफर कितनी हुई है कैपिटल रिजर्व में, 600 रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 600 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होता है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपको याद हो तो हमारा गिवन होता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की जो अमाउंट है वो हमारी सिर्फ बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूटिलाइज हो सकती है, ना कि डिविडेंड वगैरह के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। याद हो तो जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते थे और प्रॉफिट्स में से कर रहे थे तो अमाउंट को हम ट्रांसफर करते थे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसको हम यूटिलाइजेशन की बात करें। ठीक है, चलें अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन शेयर्स रिसीव एप्लीकेशन मनी कंपनी क्रेडिट्स, तो मतलब जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव की है तो कंपनी कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इजी, और मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को इसका आंसर आता होगा। राइज कर लेते हैं जल्दी से, जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड, यही एंट्री होती है। और जब हम कैपिटल शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल जिनको अलॉट हो गए, फिर बैंक जिनको हमने रिफंड कर दिया, और अलॉटमेंट अगर हमने कोई एडवांस मनी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो इन्होंने इनमें क्वेश्चन में बात हुई है कि भाई शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जब रिसीव हो की एंट्री क्या, ये तो ट्रांसफर की एंट्री थी, रिसीव की एंट्री में क्या क्रेडिट हो रहा है हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे गलती से कैपिटल अकाउंट मत कर देना कि भाई तुम हम एप्लीकेशन की मनी हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो सेकंड जब ट्रांसफर करते हैं। अभी रिसीव का क्वेश्चन पूछा, कंपनी जब रिसीव कर रही है शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया होगा अगर आप 5 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर 5 में से 5 कर रहे हो तो अच्छा है, आप नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करो, नहीं कर रहे तो इस चैप्टर को रिवाइज करो, और जितना स्कोर किया आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो ताकि पता चल सके बाकियों के अकॉर्डिंग आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमेशा कमेंट बॉक्स में देना होता है, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आप डायरेक्टली दे दोगे कि जो प्रॉफिट होता है री इशू पे फॉरफिटेड शेयर्स के लिए उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो प्रॉफिट होता है री इशू में फॉरफिटेड शेयर्स में उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, सीआरआर में, जनरल रिजर्व में, रेवेन्यू रिजर्व। पीछे जाके नहीं देखना, अगर आता है तो आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।